हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका सिलेबस भी अब धीरे धीरे कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब में काफ़ी सारे लेक्चर्स हो रहे हैं तो अब आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट होएगा एंड आई होप आप भी अपनी पढ़ाई रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं और कोई भी बैकलॉग क्रिएट नहीं हो रहा है सो लास्ट क्लास में अपन ने एक्सक्रीशन चैप्टर में फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पढ़ा था जिसमें अपन ने डिटेल में थ्री स्टेप्स देख लिए थे दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ट्रिब्यूलर रीअब्सॉपशन एंड ट्रिब्यूलर सिक्रिशन ये चीजें अपन ने डिटेल में डिस्कस करी थी इसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं आपको पढ़ाऊंगी ग्लोमेरुलर एपरेटस क्या होता है अपन डिस्कस करेंगे व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन वी विल टॉक ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एंड विल डेफिनेटली टॉक ऑफ डिजीजेस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उंटर करंट मैकेजमर करंट मैके स्टूडेंट वो लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा आ, मैं डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगी बट थोड़ा सा इलेबोरेट पार्ट है जिसमें कंसेप्चुअली आपको चीजें समझनी पड़ेंगी तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगी कि वो अपन लाइव क्लास में एक दूसरे के साथ डिस्कस कर कर अपन उसे पूरा पढ़े डिटेल में बट काउंटर काउंटरकरण मैकेनिज्म आपको सिर्फ तब समझ में आएगा जब आपको फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन एब्सोल्यूटली क्लियर है आपको पूरा पार्ट किडनी का क्लियर है कहां पर कौन सी चीज होती है तो वो अपन बिल्कुल लास्ट में स्टडी करेंगे दैट वुड बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर फॉलोड बाई डिजीजेस सो आज अपन क्या पढ़ेंगे आज अपन पढ़ेंगे दैट वॉट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन राइट हाउ इज द यूरिन मैकेनिज्म कंट्रोल हाउ इज यूरिन रिलीज आउट ऑफ द बॉडी एंड हाउ इज द कंसेंट्रेशन ऑफ द यूरिन मेंटेन या हम उसे कैसे रेगुलेट करते हैं इन सारी चीजों को आज अपन डिटेल में देखेंगे सो दिस इज अ क्विक रिव्यू है ना अपन ने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि वॉट ऑल इज हैपनिंग हियर सो दिस इज द साइट वेयर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस

so in the urine around 95% of water is there so the urine that is passed out from the body it has around 95% of water main excretory waste that is urea and salts so urea is roughly around 2 to 3% salt is also around 2 to 2.5% or in some books you will find it as 2 to 3% so this is variable but yes These two are the main excretory waste जो आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो रहे हैं इसके अलावा माइनर क्वांटिटी में अदर सब्सटेंसेस माइनर क्वांटिटी में अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट है लाइक देर कुड बी फ्यू ड्रग्स इट कुड बी यूरिक एसिड ठीक है एंड अदर वेस्ट एज वेल वाइटामिन सी देर कुड बी फ्यू डाइज एक्सेट्रा

And the color of the urine is due to a pigment which is urochrome. Color of the urine is due to a pigment which is urochrome, which gives it a slight yellow color. Urine has a specific odor. It has a specific odor. And the pH is slightly acidic. pH is slightly acidic. ठीक है बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं है इट इज स्लाइटली एसिडिक पीएच इज रफली अराउंड सिक्स सो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द यूरिन आर दी प्रॉपर्टीज इट हैज ए स्पेसिफिक ऑर्डर कलर स्लाइटली येलो है ड्यू टू अ पिगमेंट यूरोक्रोम एंड दिस इज द कॉम्पोजिशन यहां तक बात क्लियर है क्लियर ओके मूविंग फर्दर मिक्च्यूरेशन सो वॉट इज मिक्च्यूरेशन अपन ने डिस्कस कर रखा है रिलीजिंग ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज मिक्च्यूरेशन द एक्ट ऑफ वॉइडिंग द यूरिन फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज मिक्च्यूरेशन अदर यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज यूरिनेशन ठीक है उ इज दिस मिक्चुरेशन कंट्रोल मिक्चुरेशन कैसे कंट्रोल होता है इट इज कंट्रोल्ड बाई अ फीडबैक मैके बॉडी में किसी भी चीज के काम करने के लिए एक फीडबैक मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है यहां पर समझो अपन नेक्स्ट पेज पे चलते दिस इज योर दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर ठीक है दिस यूरिनरी ब्लैडर इज नाउ फिल्ड विद यूरिन यहां पर पूरा यूरिन भर चुका है इसकी कैपेसिटी जितना यूरिन भर चुका है ठीक है तो यहां पर जो स्ट्रेच रिसेप्टास प्रेजेंट है यहां पर यहां पर यहां पर कुछ स्ट्रेच रिसेप्टास प्रेजेंट है ड अ सिग्नल टू आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज आर ब्रेन ठीक है ये सिग्नल कहां भेजेंगे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास एक मैसेज भेजेंगे नाउ द ब्रेन वुड एक्सेप्ट द सिग्नल एंड दिस विल कॉज द ब्रेन विल रिस्पॉन्ड एंड इट विल स्टार्ट इट विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स यहां पर स्मूथ मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करेंगी जैसे ही स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करेंगी आपको याद है यहां पर एक स्पिंटर पड़ा था अपन ने स्पिंटर बिगिन टू रिलैक्स जैसे ही स्पिंटर रिलैक्स होगा यूरिन इज यूरिनि ठीक है बट ये जो सिग्नल आ रहा है यहां पर जो स्पिटर है, है अगर आप ऐसी, ऐसी बैठे हो जहां पर देर इज नो स्कोप फॉर यू टू गो टू दॉशरूम और यू कैनोट गो टू द लू या इट इज डर्टी या फिर आप बस में ट्रेवल कर रहे हो बस वाला रुकने के लिए तैयार नहीं है आप ऐसी किसी जगह पर हो जहां पर आप वॉशरूम सो यू कैन है कंट्रोल यहाँ पर जो स्पिंग है एक्सटर्नल स्पिंग है वो वॉल्ट्री इन नेता है तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हो एक पॉइंट कुछ नहीं होता और बस सब निकल जाता है राइट सो दिस इज द मैकेजम द वे द मिक्चुरेशन इज डन इन द बॉडी सो इट इज अ फीडबैक मैकेजम द रिस्पॉन्स इज सेंड बाय द स्ट्रेच रिसेप्टास

so that is what we need to understand that how is the function of the kidney regulated kidney को कैसे काम करना है उसको कैसे पता चलेगा जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है if if you have excessive water आपने बहुत सारा पानी पी रखा है आप मूवी देख रहे हो मूवी देखते देखते आपने दो बोतल कोल्ड ड्रिंक खत्म कर दी और एसी के रूम में बैठे हो तो आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर का लेवल है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा जिसकी वजह से आपका आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा जब आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा उस केस में एक्सेसिव वाटर इज रिलीज आउट एक्सेसिव वाटर इज रिलीज आउट दैट मींस यूरिन जो होगा वो कैसा होगा उस केस में डायलूट यूरिन इज फास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी बट इसका रिवर्स वेन यू आर इन अ डिहाइड्रेटिंग सिचुएशन आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन है दैट मीन्स उस टाइम पर आपका ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा जब ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस होगा तब वॉटर इज रीअबॉर्ब फ्रॉम द किडनी टिब्यूल्स एंड उस टाइम पर जो यूरिन पास होगा वो कैसा होगा कंसनट्रेटेड यूरिन बॉडी से पास होगा अब ये पूरा जो है ये कैसे रेगुलेट होता है किडनी किस तरीके से इस चीज के ऊपर रिस्पॉन्ड कर पाती है दैट इज वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस पार्ट दैट इज रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन आई होप यहां तक आपको सारी चीजें एब्सोल्यूटली क्लियर हो गई हैं कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करते जाना दो आई एम नॉट लाइव विद यू बट यस मैं डेफिनेटली चैट बॉक्स में आपके साथ लाइव जरूर होंगी फंक्शन ऑफ द किडनी इज रेग्युलेटेड बाय टू मैकेनिज्म फर्स्ट इज नोन एज हॉर्मोन फीडबैक मैकेनिज्म जिसमें ऑस्मो रिसेप्ट एक मेजर काम करते हैं एंड सेकंड इज सेकंड इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टिरोन सिस्टम विच इज कॉल्ड एज च इज कॉल्ड एज द रा सिस्टम सो दोनों पार्ट को अपन डिस्कस करेंगे विल फर्स्ट स्टार्ट विदार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म दैट इज विद देल्प ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर्स राइट ओके सो देर आर ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द बॉडी और ये ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है ये बेसिकली कहां प्रेजेंट है हमारे ब्रेन के ये हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट में मेनली प्रेजेंट है सो दीज ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द बॉडी व्हाट दे डू दे डिटेक्ट द चेंज इन दे डिटेक्ट द चेंज इन ब्लड वॉल्यूम ब्लड वॉल्यूम बॉडी फ्लूड वॉल्यूम एंड आईनी कंसेंट्रेशन इन तीन चीजों में कोई भी चेंज अगर होगा तो सबसे पहले इसको कौन सेंस करेगा इट वुड बी सेंसड बाई दी ऑस्मो रिसेप्टर्स अब ऑस्मो दो सिचुएशन में अलग अलग तरीके से काम करेंगे कैसे करेंगे एक एक कर उसको स्टडी करते हैं ठीक है सो फर्स्ट सिचुएशन लेते हैं फर्स्ट सिचुएशन लेते हैं दैट वी आर इन अ वी आर इन अ डिहाइड्रेटिंग सिचुएशन डिहाइड्रेटिंग सिचुएशन का मतलब पसीना पसीना हो गए हैं पूरा पसीना बहता चला जा रहा है पानी अंदर जा नहीं रहा तो बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो जाएगी या फिर इतना ज्यादा लूज मोशन हो रहा है इतनी ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है कोई भी रीजन जिससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट अगर होगी सो so उस सिचुएशन में क्या होगा दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड सो वेन एवर यू आर इन अ डिहाइड्रेटिंग सिचुएशन जब पानी की कमी हो जाएगी शरीर के अंदर सो वॉट विल हैपन सबसे पहले blood volume would reduce second body fluid volume would reduce ionic concentration ionic concentration is disturbed जैसे ही ये चिंता का विषय शरीर के अंदर उत्पन्न होगा जैसे ही ये सारे चेंजेस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होंगे तो हमारे ऑस्मो रिसेप्टर्स, हमारे ऑस्मो रिसेप्टर्स जाग जाएंगे हमारे ऑस्मो रिसेप्टर्स जाग जाएंगे और ये सिग्नल भेजेंगे किसको? ये सिग्नल भेजेंगे हाइपोथैलेमस को

सिग्नल भेजेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को यह सिग्नल भेजेगा हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को टू रिलीज अ हार्मोन विच इज कॉल्ड एज एडीएच तो यहां पर एक हार्मोन प्रोड्यूस होगा विच इज कॉल्ड एज एडीएच पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग दिस हार्मोन विच इज कॉल्ड एज एडीएच यहां तक बात समझ में आई डिस्कसिंग अबाउट एडीएच एडीएच का फुल फॉर्म क्या है इट इज नोन एज आई एंटी मैं एंटी डायरेटिक हॉर्मोन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेसन इसको रिलीज कौन करता है इट इज रिलीज बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी इस हॉर्मोन को रिलीज करेगी और इसका टारगेट एरिया क्या होगा इसका टारगेट एरिया होगा नेफ्रॉन नेफ्रॉन में भी स्पेसिफिकली ये कहा जाके काम करेगा ये जाके काम करेगा डीसीटी एंड कलेक्टिंग टारगेट एरिया इसका होगा डीसीटी और डीसीटी से भी ज्यादा ये काम करेगा हमारी डक्ट्स पे करेगा क्या अब ये क्या करेगा ये क्या करेगा ये यहां से वॉटर रीअबॉर्प्शन को प्रमोट करवाएगा याद करो मैंने फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में एग्जैक्टली exactly आपको यही पढ़ाया था कि डीसीटी वो साइट है का जहां पर कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होगा और वो कंडीशनल रीअबॉर्प्शन किसके इन्फ्लुएंस में होगा एडीएच के इन्फ्लुएंस में होगा या फिर एल्डोसिरोन के इन्फ्लुएंस में होगा तो यहां पर एडीएच क्या करवाएगा ध्यान से समझना यहां पर एडीएच स्पेशल चैनल्स प्रोड्यूस करवाता है यहां पर स्पेशल चैनल्स को फिट करता है दीज चैनल इन चैनल्स को कहा जाता है इन चैनल्स को कहा जाता है एक्वापोर और यहां से यहां से बहुत सारा वॉटर यहां से बहुत सारा वॉटर क्या हो जाएगा रीअब्सॉर्ब हो जाएगा यहां से बहुत सारा वॉटर जो है रीऑब्जॉर्ब हो जाएगा और इन स्पेशल चैनल्स को क्या कहा जाता है दे आर कॉल्ड एज एक्वा पोरेंस ये एक्वा पोरेंस जो है ये स्पेशल प्रोटीन के चैनल्स हैं तो एडीएच के इन्फ्लुएंस में यहाँ पर काफी सारे एडिशनल एक्वा पोरेंस फिट हो जाते हैं और इन एक्वा पोरेंस से बहुत ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब होगा सो व्हेन एवर यू आर इन अ डिहाइड्रेटिंग सिचुएशन जब आपकी बॉडी में पानी की कमी होती है उस टाइम पर आपके हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल जाता है दैट यू नीड टू रिलीज अद्य। 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 पोस्टीरियर पिट्यूटरी से घूमता फिरता फिरता आपकी किडनी तक पहुंचता है किडनी में वो नेफ्रॉन की डीसीटी और सी टी पर मेनली काम करेगा और वहां से वॉटर के रीअब्सॉर्पन को क्या करवाएगा वॉटर के रीअब्सॉर्पन को प्रमोट करवाएगा यहां तक बात समझ में आ गई यहां तक बात क्लियर है यहां तक कोई डाउट अब यहां से जो यूरिन पास होगा वो कैसा होगा यहां से जो यूरिन पास होगा वो कैसा होगा कंसेंट्रेटेड यूरिन पास होगा इसीलिए एडीएच के इन्फ्लुएंस में वाटर का रीअब्जॉर्बन क्या होता है वो बहुत ज्यादा प्रमोट हो जाता है यहां पर लिख लो ठीक है एंड अंडर इट्स इंफ्लुएंस द द यूरिन पास फ्रॉम द बॉडी वुड बी एक्सट्रीमली कंसेंट्रेटेड ठीक है ठीक है कोई कंफ्यूजन है यहां पर भी लिख लिखे ठीक है क्लियर अब इसका रिवर्स देखते हैं सेकेंड सिचुएशन वेन एक्सेसिव वॉटर इज देखो क्या होगा ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है एलिमेंट्री कैनाल में भर भर कर पानी भर लिया आपने कोल्ड्रिंक पी पी कर बहुत सारा पानी पी पी कर पूरे एलिमेंट्री कैनाल को पानी पानी कर दिया ठीक है तो ये सारा वाटर आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल से कहां जाएगा दिस वुड एंटर इन टू योर कहां जाएगा पानी पानी अल्टीमेटली सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा मतलब ब्लड में जाएगा ब्लड में जब जाएगा तो ये क्या करेगा ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा आइनिक कंसेंट्रेशन को डिस्टर्ब कर देगा आइनिक कंसेंट्रेशन कैसे डिस्टर्ब होगा अगर वाटर कम हो गया तो हाइपोटोनिक अगर वाटर कम हो गया तो हाइपरटोनिक सिचुएशंस हो जाएंगी अगर वाटर ज्यादा हो गया तो हाइपोटोनिक सिचुएशंस हो जाएंगी सो आइनिक बैलेंस दोनों ही कंडीशंस में क्या होंगे डिस्टर्ब होंगे व्हेन द वाटर इज लेस अगर पानी कम है तो सोल्यूट बढ़ जाएगा जब सोल्यूट बढ़ेगा तो आप उसे हाइपरटोनिक सिचुएशन बोलो रिवर्स अगर आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया फ्लूड बढ़ गया तो यहां पर सोल्यूट का लेवल कम हो गया दैट इज योर हाइपोटोनिक सिचुएशन तो आइनिक कंसेंट्रेशन दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा आपका डिस्टर्ब होगा ही होगा ठीक है यहां तक कोई डाउट नहीं है नाउ वेन दिस हैपन्स जब ये वाली सिचुएशन होंगी तब क्या होगा ऑस्मो रिसेप्टर्स वुड बी डीएक्टिवेटेड इस सिचुएशन में ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हैं वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे विल नॉट सेंड एनी सिग्नल टू हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस विल नॉट सेंड एनी सिग्नल टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी विल नॉट रिलीज एडीएच व्हेन देयर इज नो एडीएच व्हेन देयर इज नो एडीएच When there is no when there is no ADH, no aquaporins are activated, and hence there is, there is no reabsorption of water. There is no reabsorption of water, there is no conditional reabsorption of water and the urine passed from the body the urine passed from the body is dilute so excessive water jo hai wo sara yahan se beh jayega kyun beh jayega kyunki body ke andar blood volume increase हो गया body fluid level increase हो गया तो उस time पर हमारे osmoreceptors रिसेप्टर्स जो हैं, वो काम नहीं करते हैं अगर वो काम नहीं करते तो हाइपोथैलेमस को कोई सिग्नल नहीं मिलता हाइपोथैलेमस को सिग्नल नहीं मिल रहा तो वो आगे जाके आपकी पिट्यूटरी को भी सिग्नल नहीं दे रहा पिट्यूटरी भी एडीएच रिलीज नहीं कर रही अल्टीमेटली डीसीटी से और कलेक्टिंग डक से कोई वॉटर का रीअब्सॉर्बन नहीं होगा एंड द एक्सेसिव वॉटर इज रिलीज आउट फ्रॉम द बॉडी दिस यू मस्ट है जब आप मूवी थिएटर में जाते हो वहां पर इतना ठंडा एनवायरनमेंट होता है और मूवी थिएटर जाते हैं तो आराम से जब रिक्लाइनर पे बैठते हैं तो एक लार्ज ड्रिंक का ग्लास तो बनता ही है तो जब वो कोल्ड ड्रिंक अंदर जाती है तो बार 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 आप घड़ी देखते हो कि कब इंटरवल होगी और मैं कब वॉशरूम जाऊं है ना और उसके बाद भी एक दो बार आपको अर्ज होता है जाने का क्योंकि इतना ठंडा पर है ही रहा। तो आपने इतना कर लिया तो आपका ब्लड लेवल तो आपका बढ़ेगा उस को से बाहर निकलना ही पड़ेगा से पास होगा ही प्लस द फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन विल ऑल्सो इंक्रीज आई होप आई एम क्लियर ऑन दिसुटली क्लियर ठीक है मूविंग फॉर द नो विल टॉक ऑफ नो विल टॉक ऑफ द रास्ट सिस्टम विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नो वॉट इज बेसिकली है इस डायग्राम को बहुत ढंग से समझ चुके होंगे अपन बहुत बार इसको ड्रॉ कर चुके हैं और जितनी बार आप इसे पढ़ें उतनी बार अगर आप इसे ड्रॉ करेंगे तो आपकी जो क्लैरिटी है ऑफ द टॉपिक दैट वुड इंक्रीज बार बार आप उसे पूछते हो ना मैम बायो भूल जाते हैं क्योंकि आप उसे रीड कर रहे हो जब आप उसे समझने लगोगे तो आप उसे कभी भी नहीं भूलोगे सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड वेन एवर यूल अंडरस्टैंड आप कोशिश करोगे टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की तो प्लीज ड्रॉ डायग्राम्स रफ अच्छे बुरे जैसे बनते हैं वैसे डायग्राम्स बनाओ ट्रस्ट में आपको सारी चीजें याद रहेंगी दिस इज योर वोमेन्स कैप्सूल ठीक है नाउ द ब्लड इज कमिंग यहां पर ब्लड आ रहा है कल अपन ने डिस्कस किया था दैट व्हाट इज जीएफआर द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म पर मिनट इज जीएफआर नाउ व्हाट हैपेंस क्या होगा अगर व्हाट विल हैपन इफ द जीएफआर फॉल्स अगर फिल्ट्रेशन की रेट ही कम हो जाएगी सो so यूरिन उटपुट so, तो right? so, में, तो में भी ड्रॉप होगा नाउ वी नीड टू अंडरस्टेंड की हमारा ग्लोमर फिल्टरेशन रेट क्यों ड्रॉप हो रहा है क्योंकि हो सकता है हमारा ब्लड प्रेशर ही ड्रॉप हो रहा है हो सकता है हमारा ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है ब्लड प्रेशर ड्रॉप क्यों हो रहा है उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं वन ऑफ़ द रीजन ऑफ द फॉलिंग ब्लड प्रेशर इज कि बॉडी फ्लूड लेवल कम है ब्लड का वॉल्यूम रिड्यूस हो गया है जिसकी वजह से प्रेशर कम हो गया प्रेशर कम हो गया तो ये जीएफआर भी रिड्यूस हो गया और हमारा यूरिन फॉर्मेशन भी रिड्यूस हो गया सो वेन एवर देर इज अ ड्रॉप इन द जी जब भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अपने रेंज से कम हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम की आत्मा जाग जाती है एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इस रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में जो मेन अपैरेटस काम करता है द मेन सेल्स दैट आर फंक्शनिंग आर कॉल्ड एज जक्स्टा जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटिस ठीक है इसको प्यार से जी जे ठीक है ग्लोमेरुलर एपरेटिस जे जी, जी ए ठीक है यहां पर थ्री टाइप के सेल्स प्रेजेंट है वन इज नोन एज जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स अनदर इज कॉल्ड एज मेक्यूला डेंसा एंड द थर्ड वेराइटी इज नोन एज मिजाइंगल सेल्स नाउ दिस जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस इज फॉर्म वेर योर डीसीटी मीट्स द एफरेंट आर्टीरियल मैं आपको एक इमेज दिखाती हूं वेट दिस इज योर जक्सटाग्लोमेरुलर एपरेटिसन इज जक्सा सेल्स सेकेंड इज मैक्यूलर सेल्स ये तीनों सेल्स कहां बनते हैं कैसे बनते हैं आप ध्यान से देखो दिस इज योर एफरेंट आर्टीरियोल ये वो आर्टीरियोल है जो वोमेन्स कैप्सूल के पास ब्लड लेकर आती है देन यू हैव योर डी सी टी दैट इज योर डिस्टिल कॉन्गुलेटेड ट्रिब्यूल दिस इज योर डीसी वेन दिस डीसी दिस डिस्टल ट्रिब्यूल मीट्स द एफरेंट आर्टीरियोल तो डीसीटी के सेल्स जब एफरेंट आर्टीरियल से मिलते हैं और एफरेंट आर्टीरियोल के cells, जब DCT से मिलते हैं तो उनमें कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं एंड उन मॉडिफिकेशन की वजह से यह जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल और मेक्यूला डेंसा बनता है एक और बार सुनो ध्यान से ध्यान से इस डायग्राम पे देखो यू कैन सी द डिस्टल ट्रिब्यूल टिब्यूल जब ये एफरेंट से मिलती है, उस टाइम पर डिस्टल कॉन्वेटेड टिब्यूल और एफरेंट आर्टीरियोल के सेल्स में कुछ मॉडिफिकेशन प्रोड्यूस होते हैं और उस मॉडिफिकेशन की मदद से जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स और डेंसा के सेल्स बनते हैं ये बात समझ में आई अब किसमें कौन सा मॉडिफिकेशन होता है वो आपको पढ़ने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द द सेल्स या ट्यूब दिस अंडरस्टैंडल कॉन्वेटेड ट्यूब्यूलेंट आर्टीरियोल अंडरगोज मॉडिफिकेशन और इन मॉडिफाइड सेल्स को आप जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस बोल रहे हो जिसमें थ्री टाइप के cells सेल्स प्रेजेंट है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स

ग्लोमेरुलर इट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट सो इट इज द अमाउंट ऑफ फिल्टरेट इट इज द अमाउंट ऑफ फिल्टरेट दैट इज फॉर्म पर मिनिट ठीक है तो ये फिल्टरेट जो है पर मिनिट बन रहा है अब अगर इस जीएफआर में ही फॉल आ गया अगर जीएफआर रिड्यूस हो गया सो यूरिन आउटपुट वुड ऑल्सो भी रिड्यूस तो यूरिन आउटपुट भी रिड्यूस हो गया तो इस यूरिन आउटपुट के रिडक्शन की, की वजह से हमारे बॉडी के कुछ सेल्स जो स्पेशलाइज सेल्स किडनी में प्रेजेंट है जो अभी अपन ने डिस्कस करें दट ग्लोमेरुलर एपरेटस ये तीनों सेल्स जो होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये एक्टिवेट होकर क्या करेंगे ये आपके जीएफआर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे अब सबसे पहले अंडरस्टैंड करते जीएफआर गिर ही क्यों रहा है जीएफआर गिर रहा है क्योंकि हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर ही रिड्यूस है तो रिड्यूस ब्लड प्रेशर में आपका जीएफआर भी कम हो जाएगा क्योंकि ब्लड का प्रेशर ही अगर कम है ब्लड लो प्रेशर से अगर आपकी किडनी के पास आएगा तो प्रेशर उसका ऑलरेडी कम है तो जीएफआर भी क्या होगा डेफिनेटली ड्रॉप करेगा ही करेगा मे बी ब्लड वॉल्यूम रिड्यूज है ठीक है ब्लड के अंदर वॉल्यूम ही कम है तो अगर वॉल्यूम कम है तो प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा सो so, कोई भी रीजन जिससे आपका ब्लड प्रेशर अगर कम हो रहा है तो उस सिचुएशन में हमारा जो जी है उस जी की वैल्यू भी क्या होगी ड्रॉप होगी और जैसे ही जी कम होगा हमारे किडनी के जो ग्लोमेरुलर एपरेटस के सेल्स है उसमें पर्टिकुलरली उसमें पर्टिकुलरली जो ग्लोमेरुलर सेल है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल है वो क्या प्रोड्यूस करेगा वो रेनिन प्रोड्यूस करेगा आप कंफ्यूज मत होना ये आर ई एन आई एन वाला रेनिन है स्टमक के अंदर जो रेनिन अपन पढ़ते हैं वो डबल एन वाला है जो कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पर ये रेनिन जो है ये आगे जाके एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर एंटर करेगा उसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को अब अपन पढ़ेंगे तो यहां ध्यान से देखो रिड्यूस जीएफआर की वजह से किडनी ने प्रोड्यूस किया रेनिन रेनिन प्रोड्यूस हुआ तो हमारी लिवर से एक एंजाइम प्रोड्यूस हुआ एंजियोटेंसिनोजिन एंजियोटेंसिनोजिन इस एंजियोटेंसिनोजिन को एक्टिवेट किया गया एंजियोटेंसिन में किसकी प्रेजेंस में रेनिन की प्रेजेंस में सो so, रेनिन बेसिकली क्या कर रहा है लिवर से जो एंजियोटेंसिनोजिन आया उसको एक्टिवेट करा उसने एंजियोटेंसिन वन में ये एंजियोटेंसिन वन कन्वर्ट होगा ये कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन टू में किसकी मदद से ए सी ई की मदद से ए सी ई स्टैंड फॉर एनजीओ टेंसिनोजिन कन्वर्टिंग एंजाइम और यह कहां से आता है यह आता है हमारी यह आता है हमारी लंग्स से ठीक है एनजीओ टेंसिन टू जब बना तो ये एनजीओटेंशन क्या करेगा अब अलग अलग लेवल्स पे काम करेगा और हर तरीके से ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करेगा सबसे पहले ये जाएगा हाइपोथैलेमस के पास और हाइपोथैलेमस से ये थर्स्ट को प्रमोट करवाएगा हाइपोथैलेमस जो है ये आपकी बॉडी का थर्ड सेंटर है आपको जब प्यास लगती है तो किसकी वजह से लग रही है हाइपोथैलेमस की वजह से लग रही है तो ये एंजियोटेंसिन टू आपके हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा जिसकी वजह से आपको प्यास लगेगी एंड यू विल ड्रिंक वाटर प्यास लगेगी तो आप क्या करोगे यू विल ड्रिंक वाटर दूसरा ये किसके पास जाएगा ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा एंड दिस विल कॉज वेसो कंस्ट्रिक्शन ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ये हमारी ब्लड वेसल के वेसो कंस्ट्रिक्शन को प्रमोट करेगा तीसरा ये जाएगा किडनी के ऊपर जो ग्लैंड प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज एड्रीनल ग्लैंड इस एड्रीनल ग्लैंड से ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करवाएगा एक हार्मोन प्रोड्यूस कराएगा दैट इज एल्डोस्टिर क्या प्रोड्यूस कराएगा एक हार्मोन प्रोड्यूस कराएगा विच इज एल्डोस्टिरोन अब वेसो कंस्ट्रिक्शन अगर होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा आप वाटर पियोगे इंक्रीज तो भी आप ब्लड के अंदर ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज कराओगे ब्लड वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस है, एल्डोस्टिर प्रोड्यूस हुआ है आपके एड्रीनल ग्लैंड से इसका साइट ऑफ एक्शन क्या होगा वापस से ये वापस से कहा जाएगा डीसीटी और कलेक्टिंग जाएगा और यहां से कंडीशनल रीऑब्जॉर्प्शन करवाएगा ये सोडियम का इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडीशनल रीऑब्जॉर्प्शन कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम अब जैसे ही ब्लड के अंदर सोडियम जाएगा तो यहां पर क्या होगा वापस से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन सो दिस इज कॉल्ड एज दी रा सिस्टम जिसमें आपका जीएफआर अगर ड्रॉप हुआ आपका जीएफआर ड्रॉप हुआ क्योंकि ब्लड प्रेशर ही रिड्यूस हुआ तो ये पूरा मैकेनिज्म चलेगा जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा वैसे ही हमारा जीएफआर भी इंक्रीज हो जाएगा आई होप यहां तक आपको समझ में आया सो दिस इज अगेन अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन वापस से देखो ब्लड प्रेशर फॉल हुआ किडनी से रेनिन आया रेनिन किस किस मदद से आ रहा है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स की मदद से आ रहा है यह रेनिन क्या करेगा लिवर से आने वाले एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन वन में कन्वर्ट करेगा यह एंजियोटेंसिन वन कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन टू में एसीई की मदद से दिस इज एनजियो टेंसिनोजिन एल्डोस्टर रिलीज की वजह से हो रहा है साथ साथ में यह आपके हाइपोथैल ड्रिंक सेंटर को स्टिमुलेट करेगा ताकि आप पानी पियो और इन सारी ही सिचुएशन में आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो जीएफ आर किडनी फंक्शन कि किडनी किस तरीके से हाइपरटोनिक सिचुएशंस में डील करती है कब डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेगी और कब वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेगी आई होप यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज आप उसे कमेंट बॉक्स सेक्शन में मेंशन करना मैं सारे डाउट्स एड्रेस करूंगी और एक एक करके सबको सॉल्व भी करूंगी नाउ वेन एवर वील मीट फॉर द नेक्स्ट लाइव क्लास वहां पर अपन काउंटर करेंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे दैट वुड बी फॉलोड बाय द डिजीजेस ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम बट मैं आपको फिर बार बार एक ही बात रिपीट करूंगी काउंटर करेंट मैकेनिज्म आपको सिर्फ तब समझ में आएगा जब आपको यूरिन फॉर्मेशन क्लियर है जब आपको ये पूरा रेगुलेशन क्लियर है उसके बाद आप काउंटर करेंट मैकेनिज्म को प्रॉपरली समझ पाओगे ठीक है तो तब तक अच्छे से पढ़ाई करो अपना ध्यान रखो बाय स्टूडेंट्स लेट्स क्रैक इट